मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भोपाल द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की ऊर्जा व स्फूर्ति को नया मार्गदर्शन देना व रोजाना की भागदौड़ में तनाव मुक्त करना था। चूंकि शासन करना, निर्णय लेना, निर्देशन करना व आज्ञा देना आदि सब एक कला है। हर वर्कशॉप की तरह इस वर्कशॉप को भी एक नई और बेहद मजबूत हॉटलाइन दी गई, जो कि थी वर्कशॉप ऑन लीडरशिप इन बिहेवियरल एंड एटीट्यूडनल चेंज मैनेजमेंट इन पुलिसिंग, जिसका इनॉग्रेशन डॉक्टर आशीष डीआईजी इंटेलिजेंस एटीएस पीएचक्यू भोपाल के द्वारा कराया गया। कई चीजें जो आप गेन करेंगे उसको आज के डेट में आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, उसका इम्पैक्ट जिसको कहते हैं मैजिकल सा ही होगा कि आप उसको इंटरनलाइज कर लेंगे। इस पूरे सेशन को मेरा आपको रिक्वेस्ट है, बहुत ही सिंसियरली करें, एंजॉय करें। कार्यशाला की शुरुआत मिस्टर फिरोज जाहिद खान ने टूल्स ऑफ क्रिएटिव माइंड से की। आइस ब्रेकिंग रिदम सीन्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइमिंग, जो कि किसी भी कार्य को करने के लिए सहायक रहेगी। वहीं हिमानी सिंह द्वारा सहज योगा व मूवमेंट एक्सरसाइज करा के सभी को योगा के फायदे बताए। इसके साथ ही काम को एकजुट होकर कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे किया जाए ये बताया मिस्टर फिरोज जाहिद खान ने। पहले दिन की कार्यशाला का अंत मिस्टर फिरोज शेख ने एक्टिविटी थ्रू डिफरेंट वे से कराया। कार्यशाला के दूसरे दिन मिस्टर फिरोज जाहिद खान ने बताया कि हमारे टीम वर्क, हैबिट, इमेजिनेशन और नॉलेज को हम अपनी लीडरशिप में कैसे यूज कर सकते हैं। इस कार्यशाला में जहां सभी को लीडरशिप, टीम वर्क और सभी कार्यों को कैसे आप अपनी इमेजिनेशन से पूरा कर सकते हैं सिखाया, तो वहीं सभी पुलिस कर्मियों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को बाहर लाने में भी यह वर्कशॉप सहायक रही, जिसमें मिस्टर फिरोज शेख ने फैशन शूट और शेडो आर्ट से इन प्रतिभाओं को खोजा। वहीं दूसरे दिन हिमानी सिंह ने अपने डांस कोऑर्डिनेशन व सहज योगा से सभी में नई ऊर्जा भर दी, जिससे सभी के चेहरों पे एक नई मुस्कान आई। वर्कशॉप में दूसरे दिन का अंत मिस्टर फिरोज जाहिद खान ने लीडरशिप डिस्कशन के साथ ऑडियो वीडियो के जरिए से डेमोंस्ट्रेशन देते हुए लीडरशिप इन अ ग्रुप परफॉर्मेंस के गुण बताए। कार्यशाला की तीसरे दिन की शुरुआत मिस्टर फिरोज जाहिद खान ने काफी सहायक पूर्ण टॉपिक से की, जो था इम्पोर्टेंस ऑफ 9 इमोशन इन लीडरशिप, यानी कि हमारी लीडरशिप से एक ऐसा मार्ग बनाना जिसमें लोग अपना योगदान देकर कुछ नया, कुछ अलग सा करें। वहीं कार्यशाला में आखिरी चरण रखा गया, जहां मिस्टर फिरोज शेख ने इस 3 दिवसीय कार्यशाला का एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ साझा कराया। साथ ही श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह ADG ट्रेनिंग PHQ के द्वारा अपने निजी अनुभवों को सभी के साथ साझा करते हुए कार्यशाला का समापन किया। बिहेवियरल चेंज मैनेजमेंट पे आपने बहुत सारी कोर्सेज भी की हैं, आप बिहेवियर के बिहेवियर साइंस पढ़ा भी है, सब कुछ किया है, लेकिन जो एटीट्यूड का सवाल है ना, जिसको हम हिंदी में रवैया कहते हैं, सवाल रवैये का होता है। और हमारा रवैया दुनिया के प्रति क्या होगा, उससे पहले हमारा रवैया हमारे प्रति क्या, और जब हमारा रवैया हमारे ही लिए प्यार मोहब्बत का नहीं होता तो दूसरे को हम प्यार नहीं करते जब तक आपको हमने से नहीं होता। दुनिया में चीज़ें जिसको कहते हैं पर्सपेक्टिव पे तय होती है। किसी ने कहा कि ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, तो बिल्कुल सही है। किसी एक समस्या के 50 सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये जो इस तरह का वर्कशॉप होता है, ये आपको कनेक्शन बनाना बताता है। और आप, मैं देख रही थी आपकी एक्टिविटीज में, ये आपको जो कराया गया तो वो एक कनेक्शन बनाना, आपको आपको कनेक्शन कराया गया, एक चीज। दूसरी, आपने जैसे दो लोग या ग्रुप एक्टिविटी आप करते हैं तो आप एक पर्सपेक्टिव देखते हैं सामने वाले का, जिसको हम हिंदी में परिप्रेक्ष्य कहते हैं, क्या हम ये परिप्रेक्ष्य देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में आप ये काम कर रहे हैं। भौतिक आनंद लोगों ने ले लिया, आप पचमढ़ी का लेंगे, कभी तिगड़ा का लेंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी हम ट्रेनिंग को करवाएंगे। अगर फिर उनकी हमारी उपलब्ध जब भी होंगे तो हम इसको करवाएंगे।
ताकि हमारे लोगों को ये पता चले कि वो उनके अंदर भी एक उल्लास और आनंद की योग्यता है।